फील कर रही हूँ अभी. एंड बाकी गाइस ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत सारी चीज़ों में हेल्प किया उन्होंने, एंड सर ने तो बहुत ज़्यादा किया. थैंक यू. हेलो गाइस, मैं आरव मावी और अभिनव सर के साथ ये मेरी पहली मूवी है. जब इन्होंने मुझे इसका स्टोरी बताया और कैरेक्टर ब्रीफिंग बताया तो मैंने बोला सर मैं अभी और भी काम करना है, ये लास्ट काम नहीं है मेरा, ये पहला और लास्ट काम नहीं करना है. डबिंग में भी बहुत इशू हुए सर के साथ कि सर क्या क्या सीन, मतलब बहुत सीन तो ऐसे सर ने चीट करके लिए कि आरव ये नहीं मैं नहीं डालूंगा ऐसे, ये ऐसी मैं ले रहा हूँ एनजी शॉट है. और जब मैंने देखा डबिंग में तो सर ये क्या कर क्या दिया आपने, मतलब. और फाइनली सर के साथ काम करके बहुत अच्छा लगा, बहुत चीज़ें सीखने को मिली और आप सबको आई होप मूवी बहुत पसंद आई होगी. मेरा तजुर्बा बड़ा ही अलग रहा, मैं चूँकि अभिनव सर से पहले वाकिफ नहीं था तो मैं मिला शुरू में और काम करने का इनका जो अंदाज था ना वो ऐसा लगा कि काम हो ही नहीं रहा, हम लोग हंसी मजाक कर रहे हैं सारे टेक निकल जा रहे हैं, बड़े सीरियस सीरियस टेक निकल जा रहे हैं, तो ये काफ़ी अच्छा तजुर्बा रहा मेरे लिए और मैं इसके लिए शुक्रिया अदा करता हूँ. थैंक यू. फैमिली कास्ट होना मेरे लिए कोएक्सीडेंट था, मेरा एक फ्रेंड है. आई टेल यू द इम्पोर्टेंट थिंग्स, मैं खुल के बात कर रहा हूँ. आयुष से मैं कैसे मिला, आई रिमेम्बर एक शूट से हम दोनों आ रहे थे, ठीक है, एंड ही वॉन्ट्स लाइक चलो कुछ करते हैं, थोड़ा ठीक है चलो. और ये कहानी एक लॉन्च से स्टार्ट हुई थी और मैंने उसको फर्स्ट जो सिगरेट वाला सीन है मैंने इसको एक्सप्लेन किया. वो उठ के बोलता भाई ये करना है, कल से तैयारी करते और उस दिन शायद बारिश हो रही थी, हम लोग बारिश में ही शूट करते और ट्रस्ट मी मेरे पास से उस टाइम एक कैमरा दो लेंस था और कुछ नहीं था, लाइटमैन भी खुद था, स्पॉट बॉय भी मैं खुद था, कोई तैयारी नहीं था शूट करने के लिए. और आयुष का हम दोनों का जर्नी वहीं से स्टार्ट हो रहा है. और शूट पे काफी फाइट हुए, मतलब तलवारें नहीं चली बाकी सब कुछ हो गया हमारे बीच में. एक्चुअली आराम ने बताया कि एक एक्टर को ये डर रहता है कि कहीं ये फिल्म दूसरे लेवल पे ना चली जाए, शायद इसी डर से सभी मतलब इस घबराहट में थे कि नहीं. लेकिन अभिनव भाई ने जब आज मैं देख रहा हूँ सोलह प्रोडक्शन वो देन झुनको का जो दर्द है वो उस लड़की ने कैसे, मतलब उसको तो बता नहीं सकता मैं, लेकिन यहाँ पे झुनको का दर्द जो है वो आज साफ दिख रहा है और हम लोगों ने तो किया है वो, मतलब सभी जैसे कुछ बोल नहीं सकते थे इसलिए मैं भी ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता. और थैंक यू. एक्चुअली फिल्म मेकिंग में एक टेक्नीशियन की का जो रोल है वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है. मैं जब भी फिल्म देखता था तो मेरे पास साउंड नहीं था, आज साउंड के साथ मैंने फिल्म देखी है, दैट इज अमेजिंग और बहुत ही दिल दहला देने वाला जिसको कहते हैं ना एक्सपीरियंस वो था. और मेरी तरफ से मैंने पूरी कोशिश करी है कि फिल्म को जितना हो सके जितना बेहतर मैं बना सकूं बनाया. सुबह 7 बजे उठ के ये भाई साहब आते थे, ठीक है, पता कुछ नहीं था क्या करना है, इनको सब बताना पड़ता था कि सर इसका मतलब ये है, ऐसे होगा, ये ऐसे दिखेगा, ठीक है, ऐसे ऐसे करते तो वैसा होता, ठीक है, आप जैसा आप शूट करके लाए कोई दिक्कत नहीं, हम लोग हैंडल करेंगे, ठीक है. तो अब हम उसको इस मुकाम तक लेके आ गए हैं जहाँ आप सब लोगों ने मिलकर फिल्म देखी है और अब आपके रिएक्शन का हम लोग इंतजार करेंगे. अभिनव के बारे में एक चीज मैं बोलूंगा, ये बंदा ऐसा है कि आप DI रूम में जाओ तो आप इसको वहां पे पाओगे, आप एडिटिंग रूम में जाओ आप उसको वहां पाओगे, डबिंग में जाओ आप उसको वहां पाओगे. मतलब ऐसा है कि मतलब कोई एक पोर्शन नहीं है जो ये छोड़ता नहीं है भाई, हर इंसान के पीछे ये रहता है हमेशा. तो क्या होता है इसके वजह से क्या प्रोजेक्ट बहुत अच्छे से बन के निकली और रवि भाई इनके वजह से प्रोजेक्ट जो हमने 2 साल पहले जो इन्होंने शूट किया उसका जो आउटपुट है, जो कलर करेक्शन जो इन्होंने किया है वो आपने देखा है आज स्क्रीन पे आपने देखा है. तो थैंक यू एवरीवन फॉर कमिंग हियर. चलो बैठ एंड रिव्यू के लिए आप लोग आए, ये हमारा साथ दिया, थैंक यू. तो बैठ करते हैं. ऑडियंस से किसी के पास से कोई क्वेश्चन कुछ कोई जानना चाहता हो? फिल्म में इंसानियत दिखाई है, फर्स्ट टाइम हैवानियत देखे मेरे से लोग जो मेरे जानते हैं, मुझे जो फ्रेंड्स हैं, मेरी फर्स्ट मूवी है जो मैंने इस लेवल पे जाके बनाई और मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया, बस मुझे जब मैंने रिसर्च किया तो 2 महीने लगे मुझे रिसर्च करने में. और वो जो आपने ब्रिज का सीन देखा वसई का, मैं लिटरली वहाँ बैठ के 5 से 6 सीन डेली जाता था, लिखता था डेली वहाँ पे, ट्रैवल करके लिखता था. और मैं फिर झुनको के रियल फोटोज
देखता था और काफी सारे वीडियोस देखे थे। एक साउथ फिल्म में बनी थी शॉर्ट फिल्म 44 डेज ऑफ हेल, इस पे ही बनाया था उन्होंने। फिर उनसे कांटेक्ट किया था मैंने, जो अपने किस तरह से किया, फिर वो माइंड प्रिपेयर करने के लिए मैंने किसी से बात नहीं किया, दो तीन महीने बात नहीं किया। लिटरली जब भी आता मैं रमन राघव का वो थॉट प्रोसेस में रहता, मुझे रमन राघव से ऊपर काम करना है, तो वो मेरे लिए इंस्पायर है। अनुराग कश्यप मेरे लिए काफी इंस्पायर है, तो मैंने वहीं से थॉट प्रोसेस का जो मुझे करना है। फिर मेरा फर्स्ट कास्ट था आयुष, देन नीलम, ठीक है, और वहाँ पे मेरे एक फ्रेंड हैं जिन्होंने म्यूजिक किया अभिलेख लाल, इस जिनको पे उन्होंने कुछ प्रोसेस भी किया, प्रोजेक्ट भी बनाए कॉलेज में, तो उन्होंने मुझे हेल्प किया, तो इस तरह से ये चला। फिर मुझे भी नहीं पता था मैं ऐसा कर सकता हूँ, एंड सॉरी इफ यू फील वेरी बैड अबाउट दैट, क्योंकि मुझे काफ़ी बैड रिएक्शन भी मिले हैं लास्ट 2016 से, जो मैं प्रेशर ले रहा था यहाँ पे, आप एक फिल्म बनाते हो उसको बाहर नहीं निकले दो साल से, आई नो। और आज आज के दिन ही मैंने टेलर किया था 2016 में, जहाँ से मुझे बैंड मिला था और हम दोनों प्रोजेक्ट लेके घूम रहे थे, दैट सौरभ और मी, तो उस टाइम मैंने सोचा नहीं था मैं यहाँ आके आपको प्रोजेक्ट दिखाऊँ, मैं तो यूट्यूब पर डाल के ख़त्म करो, जहाँ पर मुझे यूट्यूब वाले ने बोला आप डाल ही नहीं सकते हो। तो फिर मैंने वेट किया कुछ तो होगा इस मूवी के अंदर, तो काफी चीजें होते, घर पे लोग आते थे यार फुटेज दिखा, तो ऐसे तो मैंने फिर सारे फुटेज उड़ीसा भेजे अपने फ्रेंड के पास, जो तू रख सेपरेट, कभी तो आएगा टाइम। तो इस तरह से मेरे में पेशेंस था, जहाँ पे ये लोग मुझसे बात भी नहीं करते थे, सर काम करा लियो फिल्म नहीं आए, तो मैंने रखा जो नहीं आएगा फिल्म। और थैंक्स टू रिजवान पांडे एंड आफ्टर प्ले फिल्म स्टूडियो, जहाँ से ये बिलोंग करते हैं, उन्होंने काफी सपोर्ट किया इस फिल्म को इस लेवल तक ले जाने में। एंड YouTube पे उन्होंने एज रिस्ट्रिक्शन दिया था मुझे, और कुछ सीन डिलीट करने बोले थे। मैं YouTube Red की बात कर रहा हूँ सर, YouTube Red की बात कर रहा हूँ मैं, जहाँ पे पैड होते हैं ना वहाँ पे मना कर रहे थे सर। जिनको फ्रूटो के बारे में पढ़ोगे ना, तो काफी सीन, मतलब 99% मैंने टच किया, जाके दो सीन मुझे डिलीट करने पड़े एज पर द लाइक आफ्टर प्ले प्रोडक्शन हाउस रिक्वेस्ट। लेकिन वेब सीरीज जो आ रही है, फिल्म में आप एडल्ट सीन नहीं दिखा सकते। वो सर 2016 में नहीं थी ना, 2016 में नहीं थी, वेब सीरीज फिल्मों से ज्यादा वो अभी दिखाया जा रहा है सर, अभी दिखाया जा रहा है, पहले नहीं थी जब मैंने 2000। आप जैसे डायरेक्टर जो इतनी मेहनत करके, हाँ, वन मैन शो बना के सब फिल्में बना रहे हैं, जी जी, इतनी मेहनत करके, कोई बड़े बड़े लोग नहीं है, सब अपने भूखे पैसे। एग्जैक्टली सर, आपकी जगह बड़ा डायरेक्टर होता तो शायद ये चीजें नहीं होती। बात श्योर सर, मैं एग्री करता हूँ सर, किसी बड़े प्रोडक्शन हाउस से अगर होता है चीज, जी सर, तो कहीं ना कहीं छोटे लोगों को दबा दिया जाता है, आपको लगता है इस चीज को? ऐसा तो कुछ बोलूंगा नहीं सर, हुआ है काफी है, इतना कूल खराब हो रहा हूं, दिखाई नहीं रहा है। कॉम्प्लीट जब उसके अंदर ज्यादा वैसे सीन्स हैं वो जब आ सकती है, तो इसमें तो सर मैं बोल रहा हूं सर, ये मेरी पहली फीचर मूवी थी, ठीक है, अब मुझे कुछ नॉलेज नहीं था। बोलते ना सर, एक चक्कर को जैसे घुमाओगे उसी तरह से घूमेगा, तो बोलते आप इधर जाओ तो मैं उधर जाता, बोलते थे इधर जाओ। जब मैंने बोला यार ऐसा क्या है, सब सारे प्रोसेस मैंने ढूंढे, ठीक है, और फाइनली जब मैंने रंगमंच रिलीज किया, ठीक है, जो शॉर्ट मूवी थी, और फिर मैं बोला ये भी कुछ ट्राई कर सकते हैं, जब ये सीक्रेट गेम्स आई ना, तो बोलते मेरी मूवी भी अब जा सकती है। और ट्रस्ट में नेटफ्लिक्स को भेजने मैंने पिच किया था, लाइक उन्होंने स्टैंडिंग ओवेशन में दिया था, उन्होंने एक ही क्वेश्चन बोला, तो सोचते हो कहाँ से, उनका वो मीनिंग था सोचते कहाँ से, बस सोचा हो गया बात खत्म सर। लेकिन जब 2016 में मुझे रिलीज करना था, उस टाइम ये सारी चीज़ें नहीं थी इंडिया में, मार्केट में नहीं थी, और मुझे पता भी नहीं था, तो यही रीज़न है थोड़ा सा टाइम लग गया सर। सर अभी प्लान नहीं है फेस्टिवल के लिए, क्योंकि 24th को रिलीज, और आज ही हमने सुबह बात किया, ये जापान में भी थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर, और ये जापान में ओवरसीज रिलीज हो रही है, और मैं बताना चाहूँगा ये कोई बड़ी बात नहीं है सर, लेकिन आई एम द फर्स्ट पर्सन जो इंडिया का, मैं फर्स्ट डायरेक्टर हूँ जिसकी मूवी पॉपफ्लिक्स एंड फंडूस पे जा रही है, इससे पहले किसी डायरेक्टर की नहीं गई है, जो आज ही क्लियर हुआ अबाउट दिस मूवी सर, तो मैंने कभी सोचा नहीं था जहाँ पे। और बताना चाहूंगा ये मेरी मेहनत नहीं है, सारे आर्टिस्ट जो 18 घंटे तक काम करते थे, और वन डे का शूट, हमने सुबह 9 स्टार्ट किया और रात को 4 तक काम किया, और शायद ट्रेन नहीं मिली थी हमें, तो हम लोग स्टेशन पे सो के सुबह के ट्रेन हम लोग वेट कर रहे थे, और लिटरली हमारे पास इतने पैसे नहीं होते, हम लोग
ट्रैवल कर सके ये, पर आई नो दैट सर आपको अगर कुछ करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, तो दैट इज लाइक थैंक सो मच सर, थैंक सो मच। ऐसे बैठा हुआ हूँ और मुझे पता ही नहीं ट्रेन कब आई और कब निकल गई। सर ने बोला आर ऑफ एक्शन और मैं ऐसे सीन कर रहा हूँ और एक्शन बोल के सर लिटरली ऐसे बैठ गए। अब मैं से और कुछ नहीं बोलूंगा और ऐसे मैं ये क्या कर रहे हैं सर, और फिर बोले तू इतना इतना बचा है और वहाँ पे इतना इतना बचा है। वहाँ पे कैमरा शेक भी हो सीन का आपने देखा है वो डंबल्स वाले सीन। मैंने जिम को रिक्वेस्ट किया था भाई आप दे दो क्योंकि हमारे पास प्रॉप्स के पैसे नहीं थे, तो सारे चीज ओरिजिनल थे और मोर देन 10 या 20 किलोज के जो उसके पेट पे थे। दो दिन बाद इसका फोन होता है सर मुझे पहनो और आप पहन। आफ्टर प्ले फिल्म स्टूडियो जो उन्होंने काफी हेल्प किया और जो मोटिवेशन मिला है दो मेरे बहुत ही अपने हैं सर, नरेंद्र पटेल जयेश पटेल सर, जिन्होंने काफी मोटिवेट किया मुझे इस फिल्म को लेके जो आपको करना चाहिए फिल्म बाहर करना चाहिए। सो ये क्योंकि मुझ में हिम्मत नहीं थी मैं दिखा सकता आप लोगों को ये फिल्म, क्योंकि काफी नेगेटिव थॉट्स मिले थे मुझे इसके बारे में। और हमारे पास ये प्रोजेक्ट ऐसे आई कि जैन में मैंने अपनी एक पहली मूवी शूट की जिसका पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा है अभी, तो उसके दौरान बीच में मैं और अभिनव बैठे एक दिन चाय पे बैठे हुए थे तो अभिनव ने शेयर किया कि यार एक प्रोजेक्ट है मेरे पास, दो साल हो गए इसको मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। तो फिर मैंने बोला कि काम करते यार मुझे दिखा पहले है क्या प्रोजेक्ट। जब मैंने देखा प्रोजेक्ट आपकी तरह मैं भी शॉक था पूरा। देन उसके बाद हम आफ्टर प्ले के पास गए कि अब हम इसको क्या कर सकते हैं जो हम इसको डिजिटली रिलीज करना चाहते हैं, तो आफ्टर प्ले ने फिर हेल्प आउट किया हमें एंड उसके बाद सारी चीजें दो फाइनल आउटपुट आपके पास है सामने। सर ये जब फिल्म आई थी मेरे पास एक मैंने फेसबुक पे इसके बारे में पढ़ा था सितंबर 2016 में, तो वहाँ से मुझे इसका पूरा रिसर्च करने का मौका मिला। सर प्रॉब्लम ये हुई जो कास्टिंग में बड़ा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई मुझे, और फिर शूट के बाद रिलीज करने में मूवी को ज़्यादा प्रॉब्लम हुई जहाँ से मैंने कुछ चीज़ें क्लियर की कुछ चीज़ें नहीं हो पाई, इसलिए 2 साल लगे इस फिल्म को बाहर निकालने में सर। लेकिन ये बताइए कि मतलब ये ट्रू हॉरिफिक इवेंट है जी, ये बताइए ऐसी फिल्म बॉडी बनी है लेकिन आप वहाँ में ऐसा मैं समझा नहीं सकती सर। इंडिया भी कब काफी सारे इंसिडेंट्स होते हैं। हाँ सर, सर 2012 में जो निर्भया इंसिडेंट हुआ था उस पर फिल्म बन चुकी है और रिलीज भी हो चुकी थी, पर ये इंसिडेंट था जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा रेप केस है, मोर देन 500 टाइम्स हुआ, तो मुझे इस पर करना था और इसी सब्जेक्ट पर इंडिया में फिल्म नहीं बनती, बहुत ही कम बनती है सर, तो मुझे ये करना था सर। एक्चुअली सपोर्ट की बात नहीं, एक्चुअली हम जब बैठे जब मैंने फिल्म देखी तो जिस तरीके से अभिनव ने मुझे कहा कि जो कनेक्शन उनका जुनको के साथ में बना, जुनको फुरुटा के साथ में जो कनेक्शन इनका बना, तो वो कनेक्शन मेरे को भी फील हुआ एंड मुझे ऐसा था कि लाइक जो पेन एक बंदी ने फील किया है वो पेन कोई और फील नहीं कर सकता। हम कितना भी आज हम बात कर रहे हैं, हम कितना भी बात करें वो पेन हम नहीं फील कर सकते, बट हमारा एक ये मोटिव था कि यार हम इन लोगों के पास पहुँचाए वो स्टोरी, क्योंकि वो स्टोरी को लोग जिस तरीके से बात करते हैं लोग उतना क्लीन बात नहीं करते कि यार वो स्टोरी ऐसी हुई ऐसी, आज वो एक रेप केस था बस, सिंपली लोग एक रेप केस बोल के ये कर देते हैं, बट उस सीन के दौरान क्या गुजरती है एक लड़की के ऊपर में वो कोई नहीं देखता, इसलिए हमने पूरा रॉ दिखाया कि क्या हो सकता है। एक्चुअली सारे चैलेंज काफ़ी सारे हैं, ऐसा नहीं कि इसमें एक भी चैलेंज नहीं है, बट जिसके पे बीती है सारी चीज़ें, तो ये चीज़ बहुत होता है मतलब एक बार नहीं हर किसी के साथ होता है, क्यों नहीं है, बट एक कभी हम शो नहीं कर पाते, तो इन्होंने मुझे एक मौका दिया, मतलब काफ़ी सारे सीन हो चुके हैं इनका मेरा पर्सनली, बट इसके बाद कि हाँ चैलेंज है अब बहुत चीज़ें हुई एंड बस कर दिया। ये सर डिजिटल प्लेटफॉर्म पे और वर्ल्ड वाइड इसका ओवरसीज ये थिएटर पे भी जा रही है सर, जैसे पता है थिएटर पे जा रही है। जापान के बारे में कि पहले ऐसी फिल्म हो
हाँ सर, इंडिया की फर्स्ट फिल्म मूवी है जहाँ पे पॉपफ्लिक्स पे और फंडूस पे जा रही है सर। अच्छा, इंडिया की फर्स्ट। तो आपको लगता है कि और जो नए डायरेक्टर्स आते हैं उनको इस तरह का सब्जेक्ट चुनना चाहिए जो काफी लीक से हट करे और लोगों को पता चले? ऑफकोर्स सर, एक भीड़ में बॉलीवुड जो जा रही है तो मैं चाहूंगा ऐसे कुछ डायरेक्टर जो अच्छा कर भी रहे। अभी कुछ चेंजेस भी आ रहे सर, अच्छे अच्छे सिनेमा बन रहे हैं सर, काफी नए नए थॉट प्रोसेस आ रहे हैं सर, काफी नए डायरेक्टर्स आ रहे हैं जो चैलेंजिंग कर रहे हैं। जैसे एक लपाछपी मराठी मूवी बनी थी, मुझे बहुत पर्सनली बहुत पसंद आई थी और वो कुछ अलग ही सिनेमा था। और अभी बोलोगे तो एक अक्टूबर करके, तो अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट, नए नए कॉन्सेप्ट आ रहे हैं बॉलीवुड में सर, और मैं चाहूंगा आगे भी इस तरह के कॉन्सेप्ट बने जो रियल इंसिडेंट पे हो इस तरह का। नवाज़ुद्दीन की फिल्म की बात की जी सर, काफी इंस्पायर हुए। हाँ, तो क्या कहना चाहेंगे कि नवाज अगर इस फिल्म के पार्ट होते तो कितना बेहतर? हाँ सर, नवाज सर मेरे गुरु रह चुके हैं, उनसे मैंने फिल्म स्कूल में पढ़ाई सीखी है। नवाज सर याद है मुझे 2011 में आए थे बदलापुर के टाइम पे, और सर मैं एक्चुअली नवाज सर को लेता तो कुछ आलम ही कुछ और होती थी मेरी फिल्म की। तो आई होप सर, मैं विश करता हूँ, मेरा ड्रीम उनके साथ। अभिनव ने पूरा बना बनाया प्रोजेक्ट मेरे पास लेके आया, अगर ये मेरे पास स्क्रिप्ट लेके आते तो मैं नवाज भाई को ही लेके आता। और तो आगे क्या प्लान है, किस तरह से इसको और मतलब प्रमोट करने वाले हैं? सर फिल्म फेस्टिवल प्लान कर रहे हैं हम लोग, काफ़ी फिल्म फेस्टिवल जाएंगे हम। और सर बेसिकली अभी तो पूरा 2 साल से वेट किया, तो उसको सर रिलीज करने का सोच रहे हैं फाइनली, जो आ जाए, जो लोग लिटरली वेट करें इस फिल्म का, तो किस तरह से बाहर आए लोग रिएक्शन जानना चाहते हैं इस तरह के सिनेमा का, मतलब वैल्यू क्या होता है इंडिया में। मेरे लिए तो ये पहला तजुर्बा था, मैंने इससे पहले कभी ऐसे प्रोजेक्ट में काम नहीं किया। जब मुझे पहली बार कहानी सुनाई गई तो अभिनव सर ने सुनाया, तो मुझे भी थोड़ा सा लगा कि ऐसा कहानी तो मैंने कभी सुनी नहीं, कभी की नहीं। बट शुरुआती दौर था, मैं एक्टर था और एक्टर के हिसाब से मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं था, तो मैंने कहा कि चलो कर लेते हैं। लेकिन जब काम किया अभिनव सर के साथ तो मुझे लगा कि यार ऐसे भी डायरेक्टर होते हैं जिनको, मतलब एक्टर को उन्होंने कभी प्रेशर नहीं दिया कि काम आपको करना है, कैसे करना है, आप जो करना है आप करो, आपकी क्रिएटिविटी है, आपकी फ्रीडम है, बस जहाँ तुम फंसोगे वहाँ मैं तुम्हें निकालूंगा, ये उनकी कमिटमेंट थी। तो मैंने शुरू किया और मेरे साथ जो भी एक्टर थे इन्होंने बहुत अच्छा सपोर्ट किया और काफ़ी अच्छा रहा। सर मैं जब अभिनव भाई से मिला तो मैं ऑलरेडी एक फिल्म कर रहा था और मेरे लिए टाइम निकालना बहुत मुश्किल था। हालांकि कहानी जो उसने मुझे नरेट की थी, कहानी पहले तो मैंने सर्च की है क्या, रियल एक्सीडेंट था। बस उस कहानी में जो जिक्र था इन चार लड़कों का जो उस लड़की के साथ करते हैं, बस डर यही था कि अभिनव भाई इस चीज़ को वो प्रेजेंट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। लेकिन एक बार मैंने चलो करते हैं, और वी ऑफ जब हम आज इस फिल्म को देख रहे हैं तो मुझे संतुष्टि मिलती है कि मैंने अच्छे डायरेक्टर के साथ काम किया। और जो उस लड़की का जो, मतलब उस समय का जो सिचुएशन था, वो चारों लड़के का जो जिसमें हम लोगों ने प्ले किया है, और बिना नीलम, मतलब जो लड़की है, और बिना उसके सपोर्ट नहीं हो सकता था। बिल्कुल वो पेन बिल्कुल फील किया। एक्चुअली कभी कभी हम लोगों को भी मौका मिला, एक्चुअली कभी कभी ऐसा होता था कि हम लोग नर्वस हो जाते थे, नीलम सपोर्ट करती थी कि व्हाई वर बीइंग नर्वस, जस्ट डू इट, इट्स ए वर्क आवर, तो दैट्स वेरी गुड थिंग फॉर अस। लेकिन ये मूवी करने के बाद तो एक चीज़ पता लग गई कि इंडस्ट्री में पेशेंस बहुत ज़रूरी है। सर ने बताया 2 साल मूवी का हम लोगों ने वेट किया, सर ने वेट किया, और 16 प्रोडक्शन हाउस से वो रिजेक्ट हुई। और फिल्म का सर जो टाइम शेड्यूल सर ने बताया, 9 बजे से हम रात के 4 बजे तक काम करते थे, कोई खाने पीने का नहीं पता, बजट का इशू था सर ने मूवी के अंदर डिस्कस किया, प्रॉब्लम तो हुई सर, लेकिन सर के साथ काम करके ऐसा वो सब चीज़ें माइंड। हाँ, एक अच्छी फिल्म जब निकल आती ना, हाँ, जब एक आप जो करते हो मेहनत वो आपके सामने एक साकार होता है। और आज जो हम लोग बात कर रहे हैं ना, डिजिटली पूरी ऑल वर्ल्ड रिलीज़ हो रही है फिल्म, तो एक एज एन एक्टर ये बहुत सुकून की बात होती है कि आप दुनिया के हर जगह पे पहुंच जाते हो लोगों के डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो कितना बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा आप लोगों का करियर, मतलब पहली फिल्म में या पहले प्रोजेक्ट क्या होगा? सर मैंने तो कुछ छोटी मोटी फिल्में की थी, जाहिर है ये बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा, क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये यूट्यूब से आगे बढ़ेगी या एक शॉर्ट फिल्म जैसे हम जनरली हम लोग करते हैं, बट इतना आगे तक ले जाएगा अभिनव सर, तो जाहिर है कि टर्निंग पॉइंट होगा मेरे लिए। किया तो था ये फिल्म आगे तक जाएगी, पता लगा कहीं भी नहीं गई, अब 2 साल बाद इस लेवल पे आई है। बाकी तो सर को मैं फ़ोन में से मूवी का क्या हुआ आ रहा, वो वहाँ से भी रिजेक्ट हो गई सर, क्या हुआ सर, बनाई क्यों थी हम लोगों ने। फाइनली अब उसे एक स्टैंड मिला है, ऑल ओवर वर्ल्ड वो रिलीज़ हो रही है फिल्म। और बाकी नीलम की तो आपने देखा था, नीलम ने बहुत मेहनत करा, हमें सपोर्ट किया नीलम ने। अब बहुत सीन तो ऐसे होते थे कि
हम तीनों को जैसे आसिफ भाई ने बताया कि हम तीनों डर रहे हैं यार कि लड़की कुछ हो ना जाए, कुछ बोल ना ऐसे, बहुत ये था कि वो भी बहुत अनकंफर्टेबल थी, हम भी बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल थे. लेकिन फिर धीरे धीरे जब हम काम करने लगे और केमिस्ट्री एक मैच होने लगी तो फिर हुआ, फिर अच्छा हुआ. थ्रू आउट हम करेक्टर में थे तीनों, सब होगा आपने देखा था. तो रियलिस्टिक बनाने के लिए क्या किया, रिसर्च किया, किसी से मिले ऐसे साइको कैरेक्टर से या एक्टर से? जो भी है हमने सर ने बाकी ब्रीफिंग हमें करेक्टर का दिया था और हमने गूगल पे जुमको का देखा था कि लड़की के साथ ऐसा ऐसा हुआ, ये हुआ है और करेक्टर तो रियल स्टोरी है. एक्चुअली जो आपने डायरेक्टर ने शॉट भी लिए हुए हैं, जो इसका एटीट्यूड है, मेरा एटीट्यूड है, इसका एटीट्यूड है, जिस अंदर का जो हैवान होता है, जो एक हर इंसान के अंदर जो आम दिख, एक्चुअली ये डायरेक्टर ने जो अभी आपने फिल्म में देखा, ये नॉर्मल टिकट खेलते हैं, मैं गाने गाता हूँ, नॉर्मल आम पब्लिक में रेपिस्ट का कोई चेहरा नहीं होता. कौन किस तरीके से आप कब हैवान बन जाए तो देन रेपिस्ट का कोई चेहरा नहीं, तो इसलिए वो चीज़ हम लोगों ने एक एक करेक्टर डायरेक्टर ने बताया कि नहीं तुम्हारा ये करेक्टर है और वो करेक्टर फिर साइको कैसे एक बनेगा और करेगा. तो देन हम लोगों के लिए सपोर्ट था. मेरे लिए चूंकि थोड़ा सा मुश्किल था कि मैं एक उसमें ड्रग एडिक्ट हूँ, तो मैंने थोड़ी सी इस पर रिसर्च की कि वो लेने के बाद कैसे वो बिहेव करते हैं. दो दिन में क्वेश्चन भी गया था, सच में लेते हो क्या? नहीं नहीं. और झटके उनको कैसे लगते हैं जनरली, मतलब जैसे लेने से पहले, लेने के बाद उनको प्यास बार बार लगती है और वो सडनली एबनॉर्मल बिहेव करने लगते हैं, कभी ठीक रहते हैं कभी बेकार हो जाते हैं. तो इस टाइप की थोड़ी चीज़ें थोड़े अपने से, थोड़े पराये से, थोड़ा इंटरनेट से, थोड़े दोस्तों से, सबने अपनी भी राय दी, तो उस हिसाब से सबको मिला के मैंने मर्ज कर दिया इस कैरेक्टर में. सर को ड्रग्स का शौक है, सिंगिंग का? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बट आई जस्ट ट्राइड एंड दैट्स वेरी. और आप लोगों ने हम लोगों को जहाँ पे हम लोग आज बात कर रहे हैं, एंड थैंक यू वेरी मच. आप लोगों के बिना तो चीज़ें बहुत अधूरी रहती हैं.